नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये लेट कर वीडियो क्यों बना रहा हूँ तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वैसे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो है वन डे ऑफ ALP दिखाइए, मतलब एक दिन की ड्यूटी, पूरा ड्यूटी से लेकर रेस्ट अप तक का, ठीक है, एक ब्लॉग बनाइए। तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ब्लॉग में यही सब है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि टाइम, ये देखिए 1:56, आपको उल्टा दिख रहा होगा, आप अपने हिसाब से इसको सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। 1:56 हो रहा है और ये दोपहर का नहीं है, ये रात का है, ठीक है। ये देखिए, अब क्लियर हुआ होगा, ये रात का 1:56। तो अभी अभी जस्ट मेरे पास कॉल आई है कि कोई नंबर बताया था, गाड़ी याद नहीं रह गई क्या नंबर था। तो यहाँ यार्ड की जगह कोचिंग से है आज, ठीक है। कॉमन क्रू मांगा था, कॉमन का मतलब कि डीजल इलेक्ट्रिक दोनों, तो उसी के रिगार्डिंग। और 3:15 तक मुझे बुलाया गया है, यानी 2 बजने वाला है 1.25 घंटे में, बहुत जल्दी। कोशिश करता हूँ, कहा है कि भाई आ जाना है, थोड़ा अर्जेंट गाड़ी है ये, और कॉमन क्रू जल्दी मिलते नहीं है, कम है यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को बना के दिखा दूँ कि एक दिन कैसा रहता है। अब इतनी देर से कोशिश कर रहा था सोने की, दिन में लेट उठा था, कल जो है ड्यूटी हो गई थी काफ़ी, तो इसलिए रात में नींद नहीं आई। अभी 1 बजे तक अभी जाग ही रहा था, कोशिश पूरी थी कि मैं सो सकूं लेकिन सो नहीं पाया, ठीक है। उठता हूँ भाई, लोग ड्रेस वगैरह देख लें, धुल के रखी हुई थी, प्रेस वेस कर लें, तो फिर उसके बाद में जो है निकलते हैं। 3 बजे तक कब जाग तो रही थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, रूम पर अकेले ही हैं आजकल, फैमिली है नहीं, तो फिर जाएंगे यार्ड में ही बैठते हैं जाकर, है ना। तो चलिए प्रेस कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देख लीजिए, यही रहती है लाइफ एक असिस्टेंट की, और किसी भी समय कुछ भी करना पड़ता है। अब इस समय मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा इजी है नहीं, बस यहीं पर प्रेस करता हूँ जहाँ पर लेटा हुआ था, फटाफट फटाफट, और निकलना है जल्दी, पहुँचने में भी लग जाता है 1.5 घंटा, तो पहुँच को सॉरी लगभग 20 मिनट पहुँचने में लग जाते हैं, तो निकलना होगा 20 मिनट पहले, यानी मेरे पास केवल 1.25 घंटा है ना। यही सब है जीवन, दिनचर्या कुछ होती नहीं हम लोगों की है। रेस्ट अप था काफी देर से, वेट कर रहा था ड्यूटी लगे, एक आध रूट की ड्यूटी लगी थी जहां मैं जाता नहीं हूँ, जिस कारण थोड़ा सा डिले हो गया कॉल आने में। देख सकते हैं आप लोग फटाफट फटाफट, बस थोड़ी सी सीधी हो जाए, ज़्यादा प्रेस तो मैं करता नहीं, बहुत ज़्यादा सिमटे निकालने की आदत नहीं है, बस थोड़ी सी धुलने के बाद कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, तो बस उसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा तो अपने बस का है नहीं। ये देखिए, ठीक है ना, प्रेस ही कर रहा
हो चुकी है प्रेस फाइनल और फ़ोन भी चार्जिंग पर लगा दूँ क्योंकि वीडियो बनाते समय फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। हो गई प्रेस, बस इतनी प्रेस होती है अपने, इससे ज़्यादा नहीं करता। अब जो है नेक्स्ट काम क्या रहेगा, 2:06 हो चुका है, ठीक है। अब अगला काम है चाय बनाने का। अब मैं फटाफट एक कप चाय पीता हूँ बनाकर, क्योंकि इसके बाद तो मिलनी नहीं है, ठीक है ना। तो फटाफट 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 till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... के लिए जागो तो पढ़ाई ही करना, टिकटॉक मत बनाना वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। ये टाइम ऐसा होता है ड्यूटी का कि इस समय में ना तो आप डेली जो नित्य क्रियाएं होती हैं इंसान की वही हो पाती हैं, है ना, चाहे जितनी कोशिश करो होना कुछ नहीं है।
समझ जाऊंगे, यही है बस। देख लो भाई, लोग जिसको भी लोगों पायलट बनना है बिल्कुल बनो, तो चाहता हूँ कि जिसकी इच्छा जरूर पूरी हो, इंडियन रेल में आए आप लोग और अपनी सेवा दें। जितनी ज़्यादा भर्ती होगी हम लोगों को भी थोड़ी राहत रहेगी, ड्यूटी उसी हिसाब से लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ठीक कह रहा हूँ मैं। वैसे मैं इतनी जल्दी तैयार होकर चाहता नहीं हूँ कभी, बस ये है कि आज ये स्पेशल गाड़ी है थोड़ी, इसलिए थोड़ा जल्दी बुलाया गया, तो कभी कभी चल जाता है, मतलब 2 घंटा मिनिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे तक का टाइम आप ले सकते हो, जैसा कि रूल है। रूल ऐसा मैं नहीं कहा, आज अगर रूल की बात की जाएगी तो ये गाड़ी स्पेशल है, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी से टिफिन अपना भूल गया, टाइम लगाएंगे क्योंकि टिफिन लेकर आता हूँ, सर जल्दबाजी में ऐसा होता है, चीज़ का वो कोई चीज़ है भूल जाते हैं। यही है आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, रास्ते की वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है, ठीक है ना। पहुंचेंगे तो पहुंच के सीधे एक वीडियो, एसी खुला रह गया भाई, इसको तो बंद करना बहुत जरूरी है, देखो चल रही है।
ऑलमोस्ट सारा शहर सो रहा है। कोई पॉलिस नहीं कर रहा, बस सोची खाली थोड़ा सा ब्रश ऐसी मार लूँगी, पूरी मिट्टी होगी हल्की फुल्की साफ हो जाएगी, पॉलिस करने का टाइम नहीं है। दिखाता हूँ बैक कैमरे से तो मैनेज कर लेना। ये अपनी स्कूटी की कॉमन की है, till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow के लिए चाय पीने के लिए, क्योंकि बताया था रूम पे जैसे चाय बनाने जा रहा था, जैसे वीडियो में आप देख रहे थे, तो चाय बनाने जा रहा था तब तक फ़ोन आया कि आप डायरेक्ट कोचिंग चले जाइएगा। फिर मैंने देखा टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो अगर जल्दी पहुंच गया तो रास्ते में कहीं चाय पी लेता हूँ। बस वही रास्ते में ये चाय हमको मिल गई, एकदम चारबाग के सामने ही पूरा स्टाफ यहीं पीता है, तो वही रुक गया था मैं थोड़ा। हर जगह डबल स्पीड करके, मतलब 2x पर जो है मैंने वीडियो को चलाया है, क्योंकि वरना बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा था ये। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं प्रॉपर इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मैंने जेब में रख रखा है फ़ोन, ठीक है। जेब में रखने के कारण ही ये जो है वीडियो प्रॉपर, क्योंकि गोप्रो से तो बनाया नहीं है, ये जानते हैं आप, फ़ोन से ही सारी वीडियोस में शूट करता हूँ, है ना। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हो सकता है किसी दिन गोप्रो से ही बनाना चालू कर दिया जाए, है ना, तब ठीक रहेगी, प्रॉपर ब्लॉग आपको मिला करेगा। ये लखनऊ में एंट्री कर रहा हूँ जंक्शन पर मैं, और पार्किंग में जाकर अपने जो स्टाफ विभागीय पार्किंग है उसमें जाकर गाड़ी खड़ी की जाएगी,
स्कूटी अपनी, ये देखिए ये पार्किंग जो है ये इधर नीचे साइड में, ये जो टर्न हुआ मैं लेफ्ट में, ये डिपार्टमेंट की बहुत गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ पर भाई, जगह नहीं मिलती बिल्कुल, देख ही रहे हो गए। गनीमत है आज ये जगह इतनी खाली है, वरना अगर दिन के समय तो ये पूरा भरा रहता है, बिल्कुल जगह नहीं होती यहाँ पर, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो फटाफट फटाफट देर हो रही थी एक तो तुरंत गाड़ी खड़ी करके निकल लिया मैं। मैंने कहा लोगों पायलट जी से बात की जाए कहाँ है कहाँ नहीं, उनका नंबर लिया लॉबी से मैंने, है ना। तो बात हो चुकी है पायलट की से अपनी, चलते हैं मुलाकात करते हैं। लखनऊ स्टेशन आइए आप लखनऊ में, बताए कोचिंग से जीरो से क्या नंबर बताए थे जो तो भूल गए जीरो होगी पार्सल आप डबल जीरो है पार्सल में तो डबल जीरो है 004 से 402 है। हाँ ऐसे रही देखो कौन सी रहे, हाँ पार्सल होगी तो यही है कहा जानी वीडियो बताया बाहर तो साहब कहाँ तक पहुँचे बहुत जल्दी वो है रजत रंजन नाम है रजत राम नाम रजत कुमार बनकर नहीं अभी हमको लग रहा है खड़े तो थे सामने यार एक आध बार देखा है ना पहचान था निकलेगी दवाई और यहाँ टाइम लगे नहीं लगे छोड़ दिया सीम गाड़ी जा रहे हैं दस बजे की गाड़ी है रात ज़्यादा साधारण है इस टाइम ये टाइम इस टाइम वहाँ है महाराष्ट्र से आगे काशी काशी के टाइम में
गया जो थोड़ा बहुत करते थे वो भी खत्म। लेकिन एसीपी हुई उतर के पीछे पहुंच गया, गार्ड साहब नीचे नहीं, नीचे नहीं। हाँ यही हम लेके गए तुरंत पहुंच जाओ, बस 1 घंटा 20 10 घंटे में प्रतापगढ़ पहुंचे और बढ़िया हो जाएगा काम। वो ब्रांड हो गया था ना अग्निवीर वाला, सारी गाड़ियाँ रखते हैं अग्निवीर वाला गाड़ी। तो भाई दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं, बताया था सुबह लॉबी गया था, लॉबी के बाद से फिर जो है कि लॉबी के बाद ऑन ड्यूटी होने के बाद में जो है वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, तो इसीलिए बीच में जो है बीच का सफ़र भी नहीं दिखा सकता क्योंकि उस समय तो बिल्कुल नहीं बना। तो अब आप देखिए मैं बनारस आ चुका हूँ और ऑफ हो गई है, अभी आया हूँ बस, ड्यूटी ऑफ ही की है तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि मुझे तो उल्टा दिख रहा है, तो आप लोगों को कैसा दिख रहा है कमेंट में बताइएगा। सीधा कर वाराणसी आए, प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 है शायद, सॉरी 6 और 7। वहाँ से वापस जाना है क्योंकि जो हमारे लोको पायलट हैं उनको बहुत ज़रूरी कुछ काम है तो पास लेकर आए थे वापसी का, इसलिए अब यहाँ से वापस जाना है। ठीक है, थोड़ी सी झलक मैं आपको बनारस की दिखा देता हूँ बैठ कर।
यही है, बाकी और दिखाएं। ये मैं लखनऊ आ चुका हूँ, तो पार्किंग से गाड़ी वापस लेकर जा रहा हूँ। लखनऊ आने का वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था मेरा, ठीक है। तो सीधे रूम पे पहुँच के ये वीडियो चालू हो गई। तो भाई लोगों, ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। तो ये इट वॉज वेरी टायर्ड डे फॉर मी, बहुत ज़्यादा थकान भरा दिन रहा है पूरा दिन आज का, क्योंकि जिस समय ड्यूटी लगी थी आपको बताया ही था मैंने, और ऑफ करने के बाद आज ये देखिए आप जो शायद देखते, ये वाइट स्क्रीन दिखता नहीं है जल्दी, ये देखिए 1:33 हो रहा है, और ड्यूटी ऑफ करने के बाद अब मैं जो है रूम पे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो लगभग 24 घंटे के आसपास होने वाले हैं, कैलकुलेट कर लेना। कल जब गया था तब की भी टाइमिंग आपको मैंने दिखाई थी, और अब लौट के आया हूँ तो उसकी भी टाइमिंग, और अब इस समय तो खाना बनाने का कोई औचित्य है नहीं, जैसा कि मैंने आपको एक बार और बताया था रात में जब 2-3 बजे आया था, तो खाना वाना बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम नहीं रहता खाने का है। और आज भी ये देखिए शायद आपको दिख सके, ये मैंने सत्तू हैं, ये कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, ये चने के सत्तू हैं, ठीक है। और इसमें मैंने चाट मसाला डाल रखा है, और अभी इसमें काला नमक डालूंगा और पानी में घोल के पी जाऊंगा और सो जाऊंगा। तो भाई ऐसी काम चलाना पड़ता है भाई, ठीक है। तो ये है जो बंडे ऑफ एन ALP आप देखना चाह रहे थे कि एक दिन कैसा रहता है असिस्टेंट लोको पायलट का, तो आप देख लें भाई साहब ऐसे ही रहता है एक दिन असिस्टेंट लोको पायलट का, ठीक है। और फिर ये अब खाने का क्या शेड्यूल होता है कि आप अगर रनिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ कई जगह ऐसा होता है कि टोकन सिस्टम होता है, 5 रुपये का टोकन लोगे आप, आपको खाना बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन वो ठीक ठाक क्वालिटी नहीं होती, आप जान ही सकते हो, सब्सिडी का खाना रहता है कि आदमी को पैसा कमाना है इसलिए वो ठेका लिए हुए है, तो खाना कैसा होगा, ठीक है। हालांकि मजबूरी में जब बहुत टायर्ड होते हैं, लगता है कि गाड़ी जल्दी लग जाएगी, तो हम लोगों को खाना पड़ता है, मजबूरी होती है, क्योंकि 4-5-6 घंटे में कॉल आ जाती है, मतलब 6 घंटे में ड्यूटी लगने का वो है मिनिमम, तो 4 घंटे में कॉल आ जाती है कि 6 घंटे आपको ऑन ड्यूटी करनी है। ये जैसा कल भी रात में गया था तो कुत्ते भौंक रहे थे, और अब आया हूँ तब भी भौंक रहे हैं, ठीक है। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ थोड़ी आवाज़ कम। एक मीम टाइप से था कि असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन ड्राइवर की या लोको पायलट की ड्यूटी ऐसी होती है, या इनमें गार्ड को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ में ही रहते हैं, कि जब आप ड्यूटी गए तो कुत्ता सो रहा था, और जब आप आए तब भी कुत्ता सो रहा था, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना कि वो बेचारा सो लेता है, लेकिन हम लोग परमानेंट जागने वाले व्यक्ति में से। तो 4 घंटे कहने का मतलब है कि आप जब वहाँ जाओगे रनिंग रूम में, तो वहाँ आपको खाना बना बनाया मिल सकता है। कुछ जगह टोकन सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है किसी वजह से, कुछ कारण बस लोगों को पसंद नहीं आया तो वहाँ से हटा ही दिया गया, तो वहाँ आप अपना राशन पानी दीजिए, आपको खाना बना बनाया मिल जाएगा, मतलब बन के मिल जाएगा। उसमें दिक्कत क्या होती है कि आप जाओगे राशन लेने, फिर आप बनने दोगे, फिर वो बनेगा, मतलब कि 4-6 घंटे आपको मिल रहे हैं, उसमें 2 घंटे तो राशन पानी में ही निकल गया, तो फिर आदमी सो नहीं पाता। बस मेरे साथ क्या हुआ, मैं गया, गाड़ी छोड़ी मैंने, और फिर मैंने बताया था कि पास लेकर गए थे हमारे लोको पायलट, अर्जेंट काम था उनको कुछ, तो पास ऐसा मतलब होता है कभी अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो RH के ऊपर रिटर्न टू हेडक्वार्टर का पास मिल जाता है, तो आप वापस आ सकते हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वापस आ गए, लेकिन भाई बहुत थकान हो गई खाने पीने का, बस ऐसे ही समझो कि जैसे अभी सत्तू खा रहे हैं, ऐसे रास्ते में जाते समय बिस्किट खा लिए थे और
नमकीन वगैरह मतलब बस ऐसे ही, अगर ठोस खाना रहता है ना वो नहीं होता है। तो ये हो सकता है कि आपको देखें ये सब उसी की निशानी है। तो ठीक है भाई, टाइम बहुत हो चुका है, लगभग 2 बजने वाला है और 8 तारीख हो चुकी है। 7 तारीख को मैं 2-3 बजे के आसपास निकला था यहाँ से, 2-2.5 बजे के आसपास निकला था क्योंकि 3 बजे की गाड़ी थी, और 24 घंटे के आसपास होने वाले हैं और बहुत नींद आ रही है भाई। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये था वन डे ऑफ एन ALP। नेक्स्ट किसी और ड्यूटी में जिसमें मैं रनिंग रूम में रुकूँगा जाकर कभी, तो मैं फिर एक वीडियो इसी पर लेकर आऊँगा कि वन डे ऑफ एन ALP। ठीक है, तो अभी के लिए ये वीडियो आप देखिए। इसमें जब मैं स्कूटी पर गया था तो हो सकता है कि उसमें आपको वर्टिकल व्यू मिले, हॉरिजॉन्टल व्यू नहीं होगा वीडियो का, क्योंकि जेब में रख लिया था फ़ोन। मैं GoPro से तो बनाता नहीं भाई, अपने बस का है नहीं GoPro। आप लोगों की अगर इच्छा रही, मतलब सपोर्ट रहा, शेयर वीडियोस को करेंगे, सब्सक्राइब चैनल करेंगे, तो हो सकता है GoPro से बनाना चालू कर दूं। फ़िलहाल तो भाई मोबाइल से शूट हो रही है, तो उसमें वर्टिकल व्यू भी आएगा थोड़ा बहुत, तो आप मैनेज करिएगा। बस ये दिखाना चाहा है मैंने इसमें कि बंडे ऑफ एन ALP कैसा जाता है। तो ये बंडे हो चुका है, ऑलमोस्ट 24 घंटे होने को है। अब मेरा जो है 0 बजे गाड़ी आई थी और 1 बजे का साइन ऑफ है, तो कल मतलब यहाँ से आप 16 घंटे काउंट कर लीजिए, उसके बाद ड्यूटी लगेगी, मतलब एलिजिबल हो जाऊँगा मैं ड्यूटी लगने के लिए। बाकी लगेगी तो 1-2 घंटा इधर उधर भी हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है, पहले भी लग सकती है, मतलब 14+2 में भी लग सकती है, और हो सकता है 16 घंटे का 17-18 घंटा भी हो जाए, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, वो फ्लो के ऊपर रहता है गाड़ियों के। तो अब यहाँ से चाहे जितनी देर सो लो, बाकी मैं ज़्यादा देर सोऊंगा नहीं क्योंकि कल सुबह मुझे डीजल सेट जाना है, थोड़ा काम है, बोनस वगैरह का कुछ मैटर फंसा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो यार लाइक कर दो ना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ इसको, जिससे कि हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती रहे और हम इसी तरीके से ग्रो करते रहें, और हो सकता है हम लोगों की कभी मुलाकात भी हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, किसी दिन गेट टुगेदर भी रखा जाएगा, अगर फैमिली ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मुलाकात भी होगी और बात हमेशा होती रहेगी। ठीक है, बाय बाय।